आम आदमी पार्टी का कोच अध्यक्ष हूँ। ये आरती नगर मिसरवाड़ी अब्रार कॉलोनी, ये वार्ड कहलाया जाता। अब मुद्दे तो साहब बहुत कुछ है, लेकिन मैं चंद मुद्दे बता देता हूँ। पहला मुद्दा ये कि मैं रोड पर खड़ा हूँ कि ये डेनी लैंड, ये रोड, ये पुल टूटा हुआ है। ये पुल एक नहीं है, ये तीन पुल टूटे हुए। यहाँ पर लोग नमाज को जाते, मस्जिदों में से जाते, बच्चे जाते, मासूम बच्चे जाते, गाड़ियाँ जाती। गाड़ा ये है कि दिन रात ये होते कम से कम 5 से 6 हज़ार गाड़ी आने जाना है। हाँ, ये हालत ये है कि लोग चल नहीं सकते, ये पोजीशन है। और इस कदर बारिश के अंदर ये कोई हालत है कि लोग तकलीफ़ से है ना कैसी ज़िंदगी काट रहे, बस अल्लाह ही जानता है इनको। ना इनको कोई पूछने वाला है, ना कोई देखने वाला है। हाँ, अब ये जो है तो ये हालत ये है कि कम से कम टैक्स पोती भाई कुछ आओ के मत आओ, लेकिन हमारी महानगर पालिका ये टैक्स पोती बहुत बरोबर ला के देती है। पलटाओ ऐसा। मतलब हमारे को आ गई है ये टैक्स पोती है तो कम से कम है तो 20 से 30 हज़ार रुपये हर घरों के, 10 हज़ार 20 हज़ार हर घर की सुविधा। यहाँ तक के झाड़ू वाले तक अंदर नहीं आते। आज झाड़ू वाले ने मारने वालों को पूछा गया ना, तो ये बोलते कि भाई हमारे को सीमेंट रोड के अब तक बोलो, सीमेंट रोड के अंदर हम झाड़ू मारेंगे, कचरा उठाएंगे, बस ये बोलते। और अगर सुविधा देखा जाए तो साहब, पहले अगर टैक्स पोती अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो है तो नल का है, लाइट का है, लेडीज का है, सारी दुनिया का है, लेकिन सुविधा इनको एक भी नहीं। आप आकर सर्वे करो, फिर सर्वे करने के बाद टैक्स पोती दो ना, बगैर इसके तुम कौन सी वेस्ट पे टैक्स पोती दे रहे। तो ड्रेनेज लाइन है आपके पास? नहीं, ड्रेनेज लाइन नहीं है, ड्रेनेज नल के कनेक्शन भी नहीं। असल में खेत में संडास को जाओ और टैक्स महानगर पालिका में भरो। बहुत परेशान है, पहले तो कोरोना से परेशान कर दिए, अभी ये डेंगू से परेशान है पब्लिक। बच्चे बीमार हो गए, क्या करेंगे? गरीब दुबले खाएंगे क्या? दवा खाने में ले जाएंगे? बिल तो रुकता नहीं दवा खाने का, क्या करना सर? पेट को पाले बांध के बच्चों को बताना क्या, मजदूरी करना? हम मट्टी काम वाले लोग हैं सर, हम कुछ इतने बैंक बैलेंस वाले नहीं है, ड्यूटी वाले लोग नहीं है। ड्यूटी वालों को ड्यूटी मिलती, पगार वालों को पगार मिलती, हमने क्या करना? मट्टी खाना, पत्थरे खाना, इसकी भी सही नहीं। हमारे को कम से कम, हम मेहनत से कमाते तो कम से कम सुकून से खान देना चाहिए। सरकार ने क्या क्या करते हमारे सिवा? हमारे व्यवस्था की कुछ है ही नहीं गरीबों के लिए। पानी घरों में घुसरा, बदबू आ रही, क्या करेंगे उसको? टैक्स आ रहा, टैक्स कहाँ से भरेंगे? रोड नहीं, पानी नहीं, टैंकर का पानी पियो 400 रुपये महीने भर के। सरकारी जाके लड़ो वहाँ महानगर पालिका में, बोलते चलो तुम हम आते पीछे, कब आते? जान जाए बात आते क्या गरीबों की? कोई सोचता नहीं है गरीबों के लिए। देखो तुम अब इस पे उनका है भाई मुद्दा, इतना हमारा गरीबों का है, कैसा भी है हमारी फांसी पे, हमको फांसी पे लटका दो बाबा, गरीबों को मार डालो। बनना देखा पठान नाम है मेरा, मैं पब्लिक के वास्ते सब कुछ कर सकती, गौर गरीबों के वास्ते कर सकती, क्योंकि मैं भी एक गरीब नहीं है, मैं रानमू नहीं, मेरे पीछे दूल्हा भी नहीं है, चाहे मुझे कोई कुछ भी कर सकता, मैं भूख हड़ताल कर सकती मेरी पब्लिक को ले जाके। और क्या बोलो, कहाँ ले जाने का बोलो तुम? महानगर पालिका जाओ, कलेक्टर ऑफिस जाओ, जाओ कहाँ जाओ बोलो तुम? फरियाद लेके कहाँ जाओ? मोदी के पास जाओ बोलो तुम? मुझे, मैं जाती गरीबों के लिए जाती मैं। हाँ, तो ये पुलामुळे आम्हाला खूप तकलीफ है, आमच्या घरापर्यंत पाणी घुसलं होतं या वर्षी, आणि पूल तुटलेला आहे, तर त्याच्यासाठी हे पुलाचं काम होणं जरूरी आहे। इकडे खूप नालेच्यावर खूप पब्लिक आहे, सगळ्यांना त्रास होतो, मोठ्या मोठ्या गाड्या ट्रॅक्टर सगळं चालू राहते रात्रंदिवस, आणि त्याच्यामुळे आम्हाला पूल होणं जरूरी आहे। ड्रेनेज लाईन आहे का इकडे? नाही, ड्रेनेज लाईन बी नाही, हे काय खाली पाणी चाललं डॅनेजचं, तर आम्हाला इतकं वास येतो, इतके मच्छर आहेत, कसं राहायला पण जात नाही। त्याची कंप्लेंट तुम्ही तुमच्या कॉर्पोरेटरना केली नाही का? केली ना, 2-3 जाऊन सांगितली इकडे नगर सेवकच्या। कोण आहे कॉर्पोरेटर? त्यांना सांगितलं आम्ही, आम्हाला हे पुलाचा खूप त्रास आहे, इथं ड्रेनेजचं पाणी वाहत आहे। काला क्या मसला है आपके महल्ले में? रोड नहीं, ड्रेनेज लाइन नहीं, रोड नहीं है, बच्चों तकलीफ है, ये मच्छर काटते गिर रहे पड़ रहे, क्या काम? पीने की पानी की लाइन नहीं है, पानी कहाँ से लेकर आते हैं? ये लाते हम, मतलब किसके भी वो जो टैंकर आता है उसको 100 रुपये महीना देते है, उतने दूर से लाते हैं। वो बेकरी के पास, हम क्या मस्जिद के पास बेकरी है, वहाँ टैंकर आता है 100 रुपये महीना देते, 5-25 घर का उसमें लाते, इतने दूर से जाना आना। यहाँ कारपेंटर को बोलो हमने टैंकर लगाओ, तो बोलो तुम पैसे जमा करो, हम टैंकर ला के देते।